वाला भाई है ना जो स्पीड में चला रहा है ना टेम्पो को, मुझे लग रहा है मेरे को शाम तक केदारनाथ पहुंचा देगा। मैंने अभी बोल के हटाऊंगा उस केदारनाथ ही चल भाई मेरे साथ, पैसे दे दूंगा वहीं पे छोड़ा, वो स्पीड में पका रहा भाई दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म चाय। एसी भी कहाँ कर गई है नीचे। हेलो जी, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज है 10 मई और केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। मेरी थी 12 मई की रजिस्ट्रेशन, तो वो मैं अभी 10 तारीख को निकल रहा हूँ घर से, सामान बस पैक है और सुमित भी उठ चुका है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा रंगीर पर। रंगीर पर से मैं जाऊँगा इस बार लिफ्ट लेके, मैं ना बाइक लेके जा रहा हूँ ना किसी और बस या ट्रेन पर, किसी कहीं पर भी नहीं जाऊँगा, इस बार मैं लिफ्ट लेके जाऊँगा। तो बस चलते हैं, तो जय जय सुमित बोल रहे हैं, बाय 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 कर दो, तो इनको मिलूंगा मैं 10-15 दिन के बाद, बाय। शमीता आया था मेरे को यहाँ पे छोड़ने रंगील पर, तो यहाँ से जा रहे हैं, बाय 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 बाय। तो भाई यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होगा, अभी लिफ्ट लेते हैं। तो भाई मैं जा रहा हूँ पहली बार लिफ्ट लेके, तो मेरे को थोड़ी सी शर्म आ रही है अभी, मैं लिफ्ट के लिए हाथ निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, तो कोई नहीं, थोड़ा टाइम मुश्किल लगेगा उसके बाद आसान हो जाएगा। तो मैं अभी पैदल ही जा रहा हूँ जहाँ तक जा पाता हूँ, तो देखते हैं लिफ्ट कब तक मिलती है मुझे। पहले मेरे को लिफ्ट दे दी थी यहाँ तक कुराली, तो भाई कुराली तक अंकल ने लिफ्ट दे दी थी, तो यहाँ तक तो मिल चुकी है, तो आगे भी मिल ही जाएगी भाई, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, अब तो लग रहा है आसान हो जाएगा। तो अंकल ने मेरे को 100 रुपया दिया था, तो बोल रहे हैं वहाँ पे माथा टेक देना हेमकुंड साहिब, तो भाई ये भी रख लूँगा मैं साइड पे, तो वहाँ पे माथा टेक दूँगा इन पैसों का ना। भाई दो लिफ्ट तो मुझे आसानी से मिल गई है, वो कुराली पहुंच चुका हूँ मैं, आ चुका हूँ कुराली, कुराली तक लिफ्ट लेके पहुंच चुका हूँ मैं, तो अभी दुकानें खुली नहीं है, मेरे को लेनी है पानी वाली बोतल एक। ऐसे देखो ये ऐसे खड़ा रहा हूँ, ठीक है मैं, ठीक है भाई, कुराली से मेरे को गाड़ी वाले लिफ्ट दे दी भाई ने, वो कुराली से ही थे, तो मैं चंडीगढ़ पहुंच चुका हूँ, जीरकपुर पहुंचने वाला हूँ, तो जीरकपुर से मैं अम्बाला जाऊँगा, अम्बाला से मैं हरिद्वार, तो देखता हूँ ऋषिकेश पहुँच ही जाऊँगा शायद ऋषिकेश तक। तो जैसे पहले मेरे को अंकल मिले थे ना एक, जिन्होंने सबसे पहले लिफ्ट दी मुझे, उन्होंने मेरे को पैसे दिए हैं, मेरे हेमकुंड साहिब में डाल देना जाके, ठीक है गोलक में। तो ये जो भाई मिले थे कुराली वाले, तो इन्होंने भी पैसे दे दिए हैं, ये बोल रहे हैं हमारी तरफ से भी माथा टेक देना उनका, तो भाई उनका माथा भी टेक दिया जाएगा, जो सेवा भी मेरे को ही मिलनी थी शायद। प्यारा सा डोगी जा रहा है, कितने प्यारा लग रहा है। मुझे सामने वाला जितना भी एरिया ना आर्मी का है, तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ बहलाना, तो बस सामने ही है जीरकपुर, पैदल जा रहा हूँ, कोई लिफ्ट मिल जाए पीछे से तो ठीक है, नहीं तो चलूँगा जहाँ तक जा पाता हूँ पैदल। मैंने सोचा था सुबह जल्दी निकलूँगा, 5 बजे मैं घर से निकल जाऊँगा, बट वही टाइम कर दिया मैंने निकलते निकलते, 6-6:30 बजे निकला हूँ घर से। पानी की बोतल लेनी है, पानी की बोतल ज़रूरी है क्योंकि धूप हो रही है और प्यास भी लगेगी, जैसे जैसे धूप बढ़ती रहेगी ना तो और ज़्यादा प्यास लगेगी। पिछले 1 घंटे से मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं चला था बहलाना से, काफ़ी आगे आ चुका हूँ क्योंकि मुझे 1 घंटा हो चुका है, मेरे कोई लिफ्ट नहीं मिल रही अभी तक, तो कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है, गाड़ियाँ बहुत जा रही हैं बट लिफ्ट अभी तक नहीं मिल रही है, देखते कब तक नहीं मिलती लिफ्ट। पहला तो साडी वीर दे चैनल नु सब्सक्राइब कर दियो, मैं कमांडो एक्स एनएसजी कमांडो रविंदर सूबेदार भाई दी यात्रा वास्ते सारेयां नु ए कहंदा कि ज्यादा ज्यादा भाई नु सब्सक्राइब करो, थैंक यू, फॉलो करो जी, ते मंजिल ते पहुंचे, थैंक यू भाई, बहुत वधिया लगा थोड़े नाल मिल के, थैंक यू। भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दी थी, भाई मैं इस टाइम नाडा साहिब पहुंच चुका हूं,
तो एक बाइक वाला और मिल गया था भाई, तो उन्होंने नाडा साहब उतार दिया था। जमुना नगर दो रास्ते हैं, या तो जमुना नगर से जा सकता हूँ मैं, या फिर पौंटा साहिब की तरफ से होके। बाकी देखते हैं यहाँ की लिफ्ट मिलेगी, उस तरफ से निकल जाऊँगा। एक गाड़ी रुकी है सामने, अंकल ने रोक तो ली है, देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं। पौंटा साहिब से लिफ्ट मिल गई थी मेरे को यहाँ तक की। सामने मुझे कुछ शॉप दिखाई दे रही हैं, पानी वाली बोतल ले लूँ पहले, गर्म पानी वाली ना। बोतल थी घर पर लेकिन बहुत छोटी थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है साथ में रखने का, मुझे थोड़ी बड़ी बोतल चाहिए। इस दुकान से देखता हूँ अगर बोतल मिल जाए। ये पानी वाली बोतल ही लेंगी, बोतल थी पानी वाली। बोतल देख रहा हूँ, मुझे ऐसी बोतल चाहिए, ये ज़्यादा बड़ी हो गई है। हाँ ये देख रहा हूँ, ये कितने लीटर दी है? 1.5 लीटर मिल गई है, इसको भरते हैं कहीं पे, चलते हैं। बोतल भी बदली वहाँ से, तो अभी लिफ्ट लेते हैं भाई दोबारा, कोई मिल जाए। टेम्पो वाले को देखो रोकता है, तो दो बंदे पहले ही बैठे हैं। पौंटा साहिब जाना है, ठीक है जी। एसी भी कहाँ गिर गई है नीचे, तो भाई ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ मैं आज पैदल, आगे तो बाइक पे करता हूँ, आज पैदल कर रहा हूँ ऑफ रोडिंग। वाह नज़ारा आ रखा है भाई, चारों तरफ अच्छी खासी धूप है और दूर दूर तक दरख्त नहीं दिखाई दे रहा कोई भी। और तो लेफ्ट देखता हूँ अभी कोई मिल जाए, यहाँ से पौंटा साहब बचा है अभी 60 किलोमीटर। तो मैं काला आम पहुँच चुका हूँ, और अगर दोपहर का 1 बज चुका है, अगर ये अगर मैं बाइक पर होता ना तो ऋषिकेश के आसपास होता मैं। अभी पौंटा साहिब पहुंचने में लग रहा है मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे वो, तो बाकी देखते हैं ऋषिकेश पहुंच पाता हूं या नहीं, कोशिश करूंगा वहीं पे पहुंचूं, तो बाकी देखते हैं। पंप पे ठंडा पानी होगा, ठंडा पानी भर देता हूं बोतल में, ख़त्म हो चुका है। हरिद्वार है यहाँ से 149 किलोमीटर, तो मैं देखता हूँ देहरादून 87। रोड कितना प्यारा लग रहा है यार, चलने में बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है। वो तो पीछे बहुत चढ़ाई थी, अभी उतराई है, लेकिन फिर भी इतना प्यारा है ना व्यू, चलने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। भाई साहब अभी तक का सफ़र तो मेरा बहुत बढ़िया रहा है, तो रास्ते में लिफ्ट मिली, अच्छे बंदे मिले हैं, 2-3 बंदे ने तो मेरे को पैसे दे दिए हैं वहाँ पे माथा टेक देना, तो वो पैसे जितने भी बंदे पैसे दे रहे हैं वो मैं साइड पर रख रहा हूँ माथा टेकने के लिए। तो बाहर आप जब भी आप निकलोगे तो अच्छे बंदे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे, अभी तक तो मेरे को अच्छे ही मिले हैं, बाकी आगे पता नहीं है, तो भगवान साथ देगा। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, आपको केदारनाथ के दर्शन करवाएंगे, बद्रीनाथ के दर्शन करवाएंगे, 1-2 जगह और है वहाँ पे भी घुमा के लेके आएंगे। तो उसके बाद मैं जाऊँगा हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब खुलेगा 25 मई को, तब तक मैं वहीं पर हूँ उत्तराखंड में। चलो भाई है ना जो स्पीड में चला रहा है ना टेम्पो को, मुझे लग रहा है मेरे को शाम तक केदारनाथ पहुंचा देगा, मैंने अभी बोल के हटा हूँ केदारनाथ ही चल भाई मेरे साथ, पैसे दे दूंगा वहीं पे छोड़ा, बहुत स्पीड में भगा रहा भाई दिखा रहा हूँ, फुल भगा रहा है भाई फुल, शाम तक तो पहुंचा ही देगा मेरे को लग रहा है, पकड़ के बैठ रहा हूँ मैं। देख रहा हूँ मुझे लोअर भी लेनी है, एक 2 लोअर हैं, 3 लोअर लेके जाऊंगा। वो 7 बजे निकला था घर से, तो अभी वो दोपहर के 3 बज चुके हैं, पौंटा साहिब में हूँ मैं अभी। वो टेम्पो वाला भाई यहाँ पे उतार गया था पौंटा साहिब मुझे, तो मुझे लगा वही टेम्पो खड़ा शायद। तो अभी मेरी शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है, सेल्फी स्टिक का लेना था सेल, क्योंकि ऊपर जाके भाई कोई सामान नहीं मिलने वाला है, 1 लेंथ की लोअर वो भी ले ली मैंने, सेल्फी स्टिक का सेल लेना था वो भी ले लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस ऋषिकेश पहुँच जाऊँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि कल सुबह वहाँ से निकल जाऊँगा तो सोनप्रयाग पहुँच जाऊँगा मैं शाम तक। साहिब ये गेट कितना ही प्यारा लग रहा है,
यहाँ पे टोल टैक्स है शायद, लिखा तो ऐसे ही है, लेकिन आर्मी वाले चेकिंग कर रहे हैं उस तरफ क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं ना। गुरुद्वारा साहिब है, पौंटा साहिब है, और इस तरफ जो नदी देख रहे हो ना आप, अभी तो बारिश नहीं हुई इसीलिए इतना सूखी सूखी दिखाई दे रही है आपको। जब पूरी भर जाती है, जब बारिश के दिन आएंगे ना एक दो मंथ में देखना, यहाँ पे पूरे में पानी पानी होगा। और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म चाय, आज तो चाय भी नहीं पी सुबह से मैंने, क्योंकि बाहर आके मन ही नहीं करता चाय पीने का या कुछ खाने पीने का। बैग में खाना भी है, परनीत ने डाल दिया था, वाइफ ने मेरी ने, तो यहाँ पे फ्रूट वाला लगा हुआ है। जी मैं बस में बैठ चुका हूँ, एक भाई ने मुझे लिफ्ट दी थी, मतलब बाइक पे लिफ्ट दी थी ना, तो उन्हीं की बस है ये, तो उन्होंने बात कर लिया ड्राइवर के साथ और कंडक्टर के साथ, पैसा नहीं लेंगे मैं उससे, मुझे ऋषिकेश छोड़ देंगे देहरादून से। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी हेल्प की भाई ने, थैंक यू। जिस रास्ते से भी बस जा रही है ना, इस रास्ते को रात को बंद कर देते हैं क्योंकि रास्ते से जंगली हाथी निकलते हैं, तो इसीलिए दिन दिन में जो रास्ता चलता है रात को इसको बंद ही रखते हैं। ये मेरे को यहाँ पे मेरे को जाना है इस तरफ, अभी ऋषिकेश यहाँ से है 10-12 किलोमीटर है यहाँ से, यहाँ से 13 किलोमीटर, कर्णप्रयाग 182 और बद्रीनाथ 300 किलोमीटर। भाई ऋषिकेश गुरुद्वारा साहिब वो सामने ही है पुल क्रॉस करके, और इस तरफ पहाड़ियाँ दिखनी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बस कल पहाड़ चढ़ने हैं ये वाले। इसके आसपास ना आपको ये राफ्टिंग के लिए भी मिल जाएंगे, बुकिंग करने के लिए काउंटर बने होते हैं, और यहाँ से आप अपनी गाड़ी भी कर सकते हो बुक, अगर करनी है ना किसी ने टेम्पो ट्रैवलर करनी है बुक चार धाम के लिए, वो भी हो जाती है। लो जी गुरुद्वारा साहिब में पहुँच चुका हूँ मैं, वो हॉल की पर्ची ले ली है, वो जैसे कितने प्यारे बने हुए हैं, सामने हॉल है वहाँ का मिला हुआ टोकन मेरे को। मैं गुरुद्वारा साहिब में पहुँच चुका हूँ, बैग मैंने रख दिए हैं, तो बस अभी सो जाऊँगा मैं, माथा टेक के नहा धो के माथा टेक के सो जाऊँगा। मुझे देख रहे हो पैरों में छाले पड़ चुके हैं, ये इतना छाला हो चुका है, दूसरे पैर में भी ऐसा ही है, ये नए जूते हैं ना इसी वजह से हो रहा है, छाले पड़ चुके हैं। तो कल करेंगे केदारनाथ की यात्रा शुरू, तो जो चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, तो मिलते हैं आपको कल, इस वीडियो करते हैं यहीं पे।